और फिल्म में मैं मेन लीड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक देसी लव स्टोरी है फिल्म की, इसका नाम सनम है। जब कुंदन भाई ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया कि ये स्क्रिप्ट है, और जब स्टोरी सुनाया तो मुझे बहुत पसंद आया, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मुझे पसंद आया सनम। फिल्म में कितना रोमांस करेगा आप? बहुत अच्छा रोमांस है, 2-3 गानों में बहुत अच्छा रोमांस दिया गया है। एक आजकल के युवा पीढ़ी के हिसाब से रोमांस भी है, अच्छी कहानी भी है, सारी चीज़ें इसमें। तो इस फिल्म के लिए सनम के लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ी भूमिका के निभाने के लिए इस फिल्म में? हाँ, एक गांवठी स्टोरी, उस हिसाब से मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि लव स्टोरी देसी, उस तरीके से मुझे एक्टिंग करना है। तो फिल्म में कोई एक चीज़ होती है जो तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बात बताने वाली जैसे हो जाता है, तो ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कुछ हार्ड जो आप तैयारी करिए? नहीं, इस मूवी में क्या है कि ये गांवठी लव स्टोरी है, और मुझे गांवठी के तरीके से एक अपने आप को पेश करना है, जो गांव का जो स्टोरी होता है एक लड़कों की, एक वो स्टोरी है, उस हिसाब से मैंने अपना तैयारी की। ओके, थैंक यू। बॉलीवुड में अभी आपका आदर्श कौन है? शाहिद कपूर, पवन सिंह। कोई उनका कोई गाना या डायलॉग याद है? हाँ, गाना याद है ना पवन सिंह का, जानू मारे लल काला हंगवा ये गोरी और नजरे डोलावा ताईमान, चोलिए में अटकल परान, ए रानी तोहरे चोलिए में अटकल परान। पवन सिंह के एक भोजपुरी के सबसे अच्छे सिंगर हैं और अच्छे एक्टर भी हैं, और उन्हें भोजपुरी दर्शक उनके बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अक्षरा सिंह है, मोनालिसा है, अम्रपाली दुबे हैं, ये सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, भोजपुरी के सारे एक्टर अच्छे हैं, और रवि भैया हैं बहुत अच्छे, जो भोजपुरी के महानायक हैं।